असाधारण व्यक्तित्व जो समाज के सामने कुछ उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, वे हम में से ही एक होते हैं। उनमें कोई परालौकिक शक्ति नहीं होती, होती है तो कुछ कर गुजरने की दृढ़ इच्छा जो उन्हें आम की भीड़ से खास के मुकाम तक पहुंचाती है। एक ऐसे ही व्यक्ति हैं बसंत साहू। भले ही इस शख्स का नाम देश के नामी गिरामी चित्रकारों में शुमार न हो, फिर भी इनकी कला की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। जो रंगों का चयन है, आप देखिएगा कि धूसर रंग या ग्रेइश शेड्स बहुत कम मिलेंगे उनके पेंटिंग में, और जहाँ वो मिलते भी हैं वहाँ पर भी ब्राइट कलर आ जाते हैं कहीं ना कहीं। तो रंगों का चयन, खास के ब्राइट कलर का चयन, ये दिखाता है कि ज़िंदगी के उल्लास और ज़िंदगी का जो उच्छ्वास है उसके प्रति आज भी वो बहुत अपने को नज़दीक महसूस करते हैं। टेक्निकली अगर हम उसके काम को देखें तो मुझे लगता है कि देश के हम 10-12 जो बड़े चित्रकार हैं उनका अगर हम नाम लें और उनके काम का स्टैंडर्ड देखें तो बसंत के काम को बेशक उसके सामने हम रख सकते हैं। बसंत धमतरी जिले के पास के कस्बे कुरुप में रहते हैं। इनके शरीर का एक बड़ा भाग पैरालिसिस का शिकार है। इन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनको खुद की पहचान एक चित्रकार के रूप में मिलेगी। बचपन से ही मैं पेंटिंग की तरफ आकर्षित था। पढ़ाई के दौरान उस समय सोचा नहीं था कि मैं एक पेंटर बन जाऊंगा। संयुक्त परिवार में पिता श्याम साहू सीमांत कृषक थे। जैसा आम भारतीय किसानों के साथ होता है, परिवार की माली हालत ठीक न थी। जहाँ तक मेरी जानकारी है, इन्होंने 10वीं तक पढ़ाई की है और उस पढ़ाई पूरी करने के बाद अपनी घर की स्थिति को देखते हुए इन्होंने कुछ काम सीखा और मोटर बाइंडिंग का काम इन्होंने शुरू किया। कभी हम लोगों ने ये नहीं सोचा था कि ये बसंत आगे चल के कला के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। बसंत ने 22 साल की उम्र तक मोटर बाइंडिंग का काम सीखा और इसे पेशे के रूप में अपना लिया। पर किसे मालूम था कि नियति ने उनके लिए क्या निर्धारित कर रखा है। आज बसंत को चित्रकला की साधना करते लगभग 14 वर्ष बीत चुके हैं और यही इनकी पहचान है। इनके चित्रों को देखकर मन बरबस ही इस चित्रकार की उंगलियों के जादू की तारीफ करने को मजबूर हो जाता है। लेकिन इन मोहक चित्रों का चितेरा पेंटिंग ब्रश तो क्या कुछ भी अपनी उंगलियों में नहीं थाम सकता। तो आखिर हुआ क्या, एक 22 साल का युवक जो मोटर बाइंडर था चित्रकार कैसे बन गया। बसंत ने अभी अपना 23वां बसंत देखा ही था कि उनके साथ कुछ ऐसा घटा जिसने उनके जीवन की धारा ही मोड़ दी। 15 सितंबर 1995 बसंत अपना काम समाप्त कर घर लौट रहे थे, तभी उनकी मोटरसाइकिल एक ट्रक से जा टकराई। हम लोग भाटा गांव से पंप का काम करके वापस लौट रहे थे दोनों को बाइक से, और उसमें सामने से ओवरटेक करके एक ट्रक आया और अचानक ब्रेक मार दिया, जाके हम लोग टकरा गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उनके बचने की उम्मीद काफ़ी कम बताई। जब एक्सीडेंट होने के बाद मुझे खबर लगी, मैं उस समय खाना खा रहा था, कि बसंत के एक्सीडेंट, मैं समझा कि साधारण एक्सीडेंट हो गए और देखने गया बस हॉस्पिटल में। वहाँ जाके देखा तो वह उनकी पूरी चेतना शक्ति जा चुकी थी, हाथ पैर हिलना डुलना बिल्कुल बंद हो चुका था और
डॉक्टरों से मैं बार बार पूछता था कि क्या हुआ बताइए बताइए करके, तो लोग भी बताने से थोड़ा हिचकिचाहट महसूस करते थे। उसके बाद रात को उसको बठेना से फिर वहाँ भिलाई रिफ़र किए। भिलाई में भी जाने के बाद मुझे कुछ नहीं पता था, एक हफ्ते तक मुझे कुछ नहीं बताया गया। और बाद में एक हफ्ते के बाद धीरे से मेरे छोटे भाई के मित्र ने बताया कि भैया जो होना था तो हो चुका है और बसंत इस स्थिति में है कि वो कभी उठ नहीं पाएगा। उनके हाथ पैरों में वैसा कुछ मुश्किल से 10% का वो हाथ पैर उठा सकता है और नहीं के बराबर है। ज़्यादा डॉक्टरों से बात करने के बाद पता चला है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन की बीमार है। इतनी बात सुनने के बाद मैं हमारी हालत बहुत ख़राब हुई और उस दिन को मैं याद करता हूँ आज भी तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। दुर्घटना के बाद वे पूरी तरह से बिस्तर तक सिमट कर रह गए थे। शरीर लगभग 95% तक पैरालाइज्ड हो गया। उनकी दिनचर्या भी दूसरों पर आश्रित हो गई। भाग्य की क्रूरता शायद अभी कुछ और बाकी थी। 2 साल तक एक ही स्थिति में पड़े रहने के कारण उन्हें बेड सोर हो गया। ऑपरेशन हुआ और उनके बचने की उम्मीद कम होती लगने लगी। बेड सोर भी इतना ज़्यादा था कि पूरा पीठ में उनका छा गया था और उसी में इन्फेक्शन होके मवाद का रूप लेके और पूरे शरीर में फैल गया था। ऑपरेशन के बाद एक हफ्ते के बाद जबकि हमें थोड़ा सा उम्मीद हमारी बढ़ी, उनके घाव वगैरह सूखने लगे और जो हमने स्किन ग्राफ्टिंग की थी वो पकड़ने लगा तो हमारी उम्मीदें बढ़ गई। उसके पहले तो उनकी हालत बहुत ख़राब थी। इस कठिन दौर में माँ से फिर वही देखभाल और दुलार मिला जो उन्होंने तब पाया था जब वे दूध पीते बच्चे थे। आज भी बसंत को अपनी माँ के हाथों भोजन रोज मिलता है। दुर्घटना ने उनसे चलने की शक्ति छीन ली। बेडसोर ने उनके शरीर पर इतना गहरा असर डाला कि आज भी बसंत व्हीलचेयर पर ठीक से नहीं बैठ पाते। शारीरिक रूप से उसके साथ एक बड़ी दिक्कत यह भी है कि लगातार वो चेयर पर बैठ नहीं सकता क्योंकि उसका हाथ अकड़ता है और बार बार वो अपने रीढ़ की जो हड्डी है उसको कुछ आराम देने की कोशिश करता है। तो 2-1 घंटे के बाद वो फिर से आकर के बेड पे उसको सुला दिया जाता है। फिर वो लेटे लेटे चूंकि कैनवास जमीन पे होता है तो वो काम शुरू कर देता है। जीवन की इतनी विषमताओं के बावजूद उनकी कल्पनाओं की उड़ान कम नहीं हुई। वे सपने तब सजीव हो उठे जब उनके दोस्त महेश ने बसंत का परिचय रंगों से कराया। अब घर में या तो व्हीलचेयर पे रहना है या फिर बेड पे, तो ऐसे में तो जिंदगी कट नहीं सकती थी। जिंदगी काटने का भी एक जरिया होना की कंडीशन देखते हुए पेंटिंग ही सही जान पड़ी। एक बार जो रंगों से दोस्ती हुई तो फिर वे बसंत के जीवन में गहरे उतरते चले गए। जीवन का शायद ही कोई ऐसा रंग होगा जिसे बसंत ने कैनवास पे न जिया हो। उनके चित्रों में गांव की मिठास है, आदिवासी संस्कृति की झलक है और अध्यात्म के गहरे रंग हैं। बसंत साहू की पेंटिंग सबसे पहले अपने उसके रंग हमें अपने पास बुलाते हैं और वो जितने भी रंग पेंटिंग में विविध पेंटिंग में आए हैं ज़्यादातर खुशियों के रंग हैं और पीला रंग जो एक लगातार ऊंचाई की ओर उठने की इच्छा की ओर इंगित करता है। रंगों के अलावा जो उसका ट्रीटमेंट है उसमें जो बहुत वो एक सहज है किसी तरह उसको बनाने के लिए एक खेल की तरह वो रंग लगाए गए हैं और वो रंग इतने वाइब्रेंट और सशक्त हैं कि किसी भी एक
एक समय को, एक क्षण को वो जीवंत बना देती है और वही जीवंत का संचार हमारे अंदर भी भर देती है। अब तक वे अपने चित्रों की अलग अलग जगहों पर कई प्रदर्शनियां लगा चुके हैं। 2001 राष्ट्रीय व्यापार मेले में वे छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं। लेकिन क्या ये सब इतना आसान था? पेंटिंग का शुरुआती दौर काफी कठिन रहा, उस वक्त को याद करके बसंत कहते हैं, इस दुर्घटना ने तो मेरे घर वालों को बहुत नुकसान पहुंचाया था। इलाज के दौरान काफ़ी खर्च हुए, तो मैं भी घर से पैसे के लिए कुछ बोल नहीं सकता था। न स्थिति ऐसी थी कि कोई विश्वास भी नहीं करता था कि मैं ऐसा पेंटिंग बना सकूं। मैंने शुरुआत में स्केच करना शुरू किया, फिर वाटर कलर से शुरुआत की। उस समय मेरे पास पैसे नहीं होते थे और मैंने सबसे पहले पेंटिंग पोर्ट्रेट जिसका बनाया था वो 80 रुपये में बेचा। फिर उत्साह बढ़ते गया, फिर बहुत सारे पोर्ट्रेट बनाए मैं। पोर्ट्रेट बनाते बनाते कब इस सृजन के रास्ते में आ गया मैं खुद नहीं जानता। आखिरकार उनकी लगन और मेहनत रंग लाई। उन्होंने अपने चित्रों की पहली प्रदर्शनी 5 मार्च 1999 को रायपुर में लगाई। हालांकि इस प्रदर्शनी से बसंत को बहुत कुछ फायदा नहीं हुआ, पर उनकी पहचान धीरे धीरे एक चित्रकार के रूप में बनने लगी। सन 2006 रायपुर में लगाई गई एक प्रदर्शनी में उनके काम को काफी सराहा गया। सोशल अब्यूज का जो थीम बनाया हुआ है, दैट इज वेरी मच टचिंग। यहां उन्हें वो पहचान मिली जिसकी तलाश बसंत को थी। इस प्रदर्शनी ने उन्हें व्हीलचेयर पर बैठे एक व्यक्ति से उठाकर एक चित्रकार के रूप में स्थापित कर दिया। अब तक सैकड़ों पेंटिंग बना चुके बसंत अपनी कला को स्वयं तक ही सीमित नहीं रखते, वे इसे इच्छुकों में बांटते भी हैं। उनका सपना है कुरुद में एक विशेष कला विद्यालय की स्थापना, जहां निशक जनों को चित्रकला सिखाई जा सके। मैं यहां पर एक पेंटिंग का आर्ट स्कूल खोलना चाहता हूं, जो और भी हैंडीकैप बच्चे लोग इसको अपना सके और मुख्यधारा में जा सके। अपनी अदम्य जिजीविषा, सकारात्मक सोच और कठिन मेहनत से बसंत ने उन सभी को गलत सिद्ध कर दिया जो ये सोचते हैं कि शारीरिक क्षमता ही सब कुछ है। आज जब छोटी छोटी समस्याओं से हताश हुए किशोर और युवा मौत का दामन थामने की बात करते हैं, तब बसंत चिंतित हो उठते हैं हमारी सामाजिक परिस्थितियों पर। आजकल छोटे छोटे बच्चे लोग थोड़ी सी घटना जैसे फैल हो गया उसमें अपने आप को मारना चाहते हैं, किस लिए? आज अगर आप गिर गए हो तो गिरकर आप जब उठेंगे तो वो उठना नहीं होगा, आप बहुत आगे चले जाओगे। लेकिन इस छोटी सी घटना में आप अपने आप को मारते हुए, बहुत बुरी बात है, बहुत गलत बात है। मैं जैसे जी रहा हूँ बहुत तकलीफ है, लेकिन मुझे जीने में बहुत आनंद आ रहा है। जीवन बहुत ऊँची चीज है मेरे भाई, उसको बहुत हंस के जियो, आनंद से जियो। अब जब समाज में सहिष्णुता घटती जा रही है, निराशा आम हो चुकी है और अनमोल जीवन का मोल कम होता दिखाई पड़ता है, आत्महत्याओं का सिलसिला थम नहीं रहा है। ऐसे में बसंत हमारे सामने एक उदाहरण है, जिन्होंने जीवन की कठिनाइयों के आगे घुटने नहीं टेके और दिखा दिया कि जीवन की सबसे चमकदार रोशनी घोर अंधकार में ही दिखाई देती है।